माय न्यू हाउस। सो अब हम आ गए अपने न्यू घर में एंड अभी मैं आपको कोई टूर नहीं दे रही हूँ, पर आपने थोड़ा थोड़ा देख लिया। एंड अभी सारा शिफ्टिंग वगैरह होना, मतलब अभी ट्रक आया नहीं है, बस हम लोग आ गए और अब हम वेट कर रहे हैं सारा सामान आए, और जैसे ही सब कुछ सेटल हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। ये देखो मेरी मम्मी की हालत खराब हो चुकी है शिफ्टिंग करते करते, बहुत बढ़िया लग रहा है। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अगर आप पहली बार आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब एंड अभी देखते हैं क्या क्या करना है, आगे बताती हूँ। तो 5 बज गए और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और 5 बजे के मतलब इतनी देर बाद जब मैंने ग्लव्स अपना उतारा है ना हाथ से, तो ये अजीब सा हो चुका है हाथ, बिल्कुल बहुत ही अजीब वियर्ड सा लग रहा है। अभी भी सामान सारा नहीं उतर पाया है, लेट्स सी कब तक सारा सामान आता है। दिस इज हाउ माई हैंड लुक्स। मैंने पता नहीं 10 कितनी देर बाद जब ग्लव्स उतारे ना, तो मेरे हाथ ऐसे हो चुके हैं। सो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल है, सामान आए जा रहा था। अब हमने थोड़ा सा रूम सेट कर लिया है, थोड़ा सा, बहुत स्लाइटली, एंड मम्मी का भी रूम सेट कर लिया है कि एटलीस्ट हम रात में सो पाए। और बाकी मैं दिखाती हूँ, एक रूम में सारा सामान रख दिया हमने सारा, और उसको अब 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे हम। ये देखो इस रूम में सारा सामान है, और इस रूम को अब मतलब जो जरूरी सामान है वो हमने अलग कर लिया है, वो एक आध बैग में ही है जो हमारे साथ गाड़ी में आया था, और बाकी सामान यहीं पे है। तो अब हम धीरे धीरे उसको यूज, जब जैसे जैसे यूज आएगी वैसे वैसे खोलते जाएंगे। और ये हमारे एक एक्स्ट्रा रूम हो गया है टाइप्स, क्योंकि एक रूम में मैं और रिया दी रह रहे हैं और एक रूम में मम्मी पापा रह रहे हैं, और ये वाला जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हमें ज्यादा जरूरत भी नहीं है, तो इसीलिए। और अभी तुरंत सारा कुछ छूना भी थोड़ा डेंजरस है। वैसे तो हमने सब पे सैनिटाइजर स्प्रे कर दिया है, मतलब डिसइंफेक्टेंट जो हमने कल बनाया था स्प्रे कर दिया है, पर फिर भी स्टिल अभी छोड़ देते हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर हम वो करेंगे। अब देखते हैं आज फर्स्ट नाइट हमारी न्यू हाउस में कैसी होती है, क्योंकि हमने कोशिश की थी कि आज ही एसी लग जाए यहाँ पे, बट एसी लग नहीं पाया है, तो थोड़ी सी गर्मी होगी बट ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं डिनर क्या करना है अभी ज्यादा। ये हमारा किचन है अभी तो सब, और ये स्टोर रूम है, तो अभी तो बस हम देख रहे हैं जो मम्मी ने सुबह बनाया था वही हम नहीं खा पाए हैं, तो उसी को हम डिनर भी कर लेंगे। और फिर हमें बस इस ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया का जो है वो सेटिंग करना बाकी है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि आज रात रात में ही कर ले, थोड़ा सा ऐसे कर ले ठीक ठाक, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सामान खोलेंगे। तो अभी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हमें किचन का सामान तो मिल गया, बट उस तक जाना बहुत मुश्किल है। चाकू है, चाकू चाहिए। हाँ
शिफ्टिंग हो और ब्लेंडर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारा जो क्रीम है वो पूरा मेरे हेयर ब्रश में लग गया है और ये सारे सामान में लग गया है, तो अब इसको थोड़ा सा खोज खोज के रखना पड़ेगा। हम कुछ और ढूंढने गए थे अंदर, हम गए थे बाथरूम का सामान ढूंढने ताकि हम नहा पाए, पर ये पहले मिल गया तो अब ये भी कर लेते हैं। Next morning. So good morning to all, and I am sorry मैं रात में ज़्यादा कुछ record ही नहीं कर पाई क्योंकि हम इतना थक चुके थे कि हम नहाए and उसके बाद हमने खाना खाया, गर्म हमने दूध वगैरह पी लिया था, काढ़ा भी पी लिया था and then हम सो गए। तो sorry मैं record नहीं कर पाई कुछ भी कल रात का, ज़्यादा थोड़ा मोड़ा मैंने record किया होगा वो मैं ज़रूर बता insert कर दूँगी, but रात में नींद बहुत मुश्किल से आ रही थी। जैसे ही प्लेस चेंज होता है ना एक घर से दूसरे घर, इतना डिफिकल्ट होता है कि आप मतलब जल्दी जल्दी सो जाओ और नींद आए। तो एंड फर्स्ट मॉर्निंग हमारी बहुत ही अच्छी है, बहुत तेज़ गर्मी नहीं है आज, एकदम तेज़ तेज़ हवा चल रही है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ विंडो से, देख सकते हो बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है अभी तो बिल्कुल। और वो सामने बिल्कुल मेन रोड है तो आपको बहुत सारी गाड़ी और बस वगैरह भी दिखेगी। हाय गाइस, सो आप लोगों को दिख रहा है ये रूम जिसमें सारा सामान था और जिससे मैं चीनी निकालने आई थी, ये वही रूम है। और अब ये रूम बिल्कुल खाली हो चुका है क्योंकि मैंने, मम्मी ने, रिया दी ने, हम सब ने मेहनत करके पूरा घर संभाल के अच्छे से सारा सामान रख दिया है और अब सब कुछ क्लीन लीन हो गया है। और यहाँ पे भी इतनी गंदगी थी, बहुत जगह पे गंदा था, हमने सब साफ वाफ कर लिया। और जो आपने लास्ट क्लिप देखी उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम बस सफाई कर रहे थे। और जब मैं ये वीडियो एडिट करने बैठी तो मैंने देखा कि मैंने कोई एंडिंग ही नहीं की है वीडियो की, तो मैंने सोचा कि अब एंडिंग कर दूं और आप लोगों को बाय बाय बोल दूं वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड शेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा प्लीज, एंड सब्सक्राइब अगर आप तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके बाय, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।